सलमान खान की फिल्म टाइगर थ्री ने 12 नवंबर को दिवाली पर भारत में बम्पर ओपनिंग की। कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी अभिनीत इस फिल्म ने भारत में पहले दिन 44 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन दर्ज किया। इतने बज के बाद आखिरकार सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर थ्री बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। दिवाली के मौके पर खान ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। फिल्म का शो 6 बजे से ही शुरू हो गया था और हाउसफुल रहा। इस फिल्म का क्रेज इतना ज़्यादा था कि सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी की एंट्री पर थिएटर हुटिंग से गुजरने लगा। और इतना ही नहीं, फैंस ने तो सिनेमा घर के अंदर पटाखे तक चलाए। ऐसे में हम आपके लिए टाइगर थ्री के दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेकर आ रहे हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर थ्री ने 12 नवंबर को दिवाली पर भारत में बम्पर ओपनिंग की। कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी अभिनीत इस फिल्म ने ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहले दिन 44 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन दर्ज किया। अब तक टाइगर थ्री ने सभी भाषाओं में अपने दूसरे दिन भारत में लगभग 6,51,00,000 की कमाई की है। और इस आंकड़े को देखकर माना जा रहा है कि दूसरे दिन सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी की फिल्म 30 से 35 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। सोमवार का असर फिल्म के कलेक्शन पर जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई करने में कामयाब रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइगर थ्री सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की तीसरी किस्त है। इस फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा है। यह YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है जिसका बजट 300 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। फिल्म में इमरान हाशमी नेगेटिव रोल में नजर आए हैं।